गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने चैप्टर में आफ्टर इलास्ट्रेशन नंबर 10, इलास्ट्रेशन नंबर 10 फोर्स ऑन अ वायर के लिए था, करंट कैरिंग वायर। ओके, उसके बाद आप देखिएगा अपने टेक्स्ट में, तो आपको बुक में मिलेगा टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है और वो भी 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। ओके, तो आराम से समझिएगा, बहुत मस्त टॉपिक है और आपको इक्वेशन दे रहा है करना है टॉर्क का। अच्छा, टॉर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो 11th स्टैंडर्ड में था। 11th स्टैंडर्ड में हमने कुछ ऐसे देखा था कि लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन में जो फोर्स का इंपॉर्टेंस होता है वही इंपॉर्टेंस रोटेशनल मोशन में टॉर्क का रहता है। और जो टॉर्क है वो हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा हुआ है ना। और टॉर्क की डेफिनेशन 11th स्टैंडर्ड में थी आर क्रॉस एफ, दैट इज आर एफ साइन थीटा। एफ दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स and r sin theta that is perpendicular distance between two forces। ये chapter number 1 में torque का concept पढ़ा है ना आपने। okay, तो यहां पे आपको torque का equation यहां पे express करना है, derive करना है, but किस पे? तो कोई current carrying loop which is placed in a uniform magnetic field। okay, तो according to the question हम diagram prepare करेंगे। तो पहले uniform magnetic field दिखा देते हैं। okay, तो uniform magnetic field यहाँ पे diagram पहले से ready है। okay, तो वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कैसे किया हुआ। तो पहले north और south ऐसे दो मैग्नेट्स रख दिए, तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली नॉर्थ से साउथ की ओर इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ की ओर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ओके ओके, उसमें हमें सस्पेंड करना है किसको? तो करंट कैरिंग लूप। तो यहां पे हम लेंगे रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप ऑफ करंट आई है ना। तो ये रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप ले लिया है ना, कि जिसमें से आपको करंट पास करना है। तो नीचे से बैटरी कनेक्ट कर दी, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां से करंट होके ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आएगा। क्लियर? ओके, और रेक्टेंगुलर लूप लिए तो उसका कुछ लेंथ होता है और कुछ ब्रेथ होता है। तो लेंथ ए लिया, स्मॉल ए, और ब्रेथ दैट इज स्मॉल बी लिया। आप लेंथ एल लोगे तो भी चलेगा है ना, और ब्रेथ तो यहां पे बी है ही। क्लियर? ओके, चलो अभी तो ये अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम एक पोर्शन लिखेंगे वन स्टेटमेंट में, इस जो डायग्राम है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इन अबो फिगर कैपिटल आई करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप ऑफ लेंथ स्मॉल ए एंड ब्रेथ स्मॉल बी प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी। हो गया अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। ओके, अभी हम कैसे टॉर्क का इक्वेशन डिराइव करेंगे? तो टॉर्क तो वो फोर्स की जगह पे आया हुआ है, तो
तो पहले तो हम फोर्स एक्सप्लेन करेंगे। तो फोर्स ऑन वायर आपको मालूम है ना, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, है ना। तो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो आई एल क्रॉस बी का डायरेक्शन रहता है राइट हैंड स्क्रू लॉ या राइट हैंड थंब लॉ से, है ना। और क्रॉस यहां पे निकालेंगे तो आई एल बी साइन थीटा होगा। तो ये इक्वेशन तो आपको मालूम है। तो यहां पे रेक्टेंगुलर लूप है तो कितने वायर्स होंगे, चार। तो इस रेक्टेंगुलर लूप का हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। दे दिया, बहुत इजी थ्योरी, सिर्फ शांति से समझिए। तो पी क्यू आर एस ऐसे दे दिया हमने इसका नाम रेक्टेंगुलर लूप का। ओके, तो ये इक्वेशन फोर्स के लिए, पहले तो हम फोर्स के लिए जाएंगे उसके बाद टॉर्क पे जाएंगे। ओके, तो पहले फोर्स, चलो यहां से शुरुआत करें। ये जो हॉरिजेंटल वायर है, ओके, ये जो हॉरिजेंटल वायर है वो उसका नाम है क्यूआर। चार फोर्सेस रेडी करेंगे। ओके, तो यूजिंग दिस इक्वेशन, फोर्स का जो इक्वेशन है, यूजिंग दिस फोर्स ड्यू टू वायर क्यूआर। अच्छा, तो फोर्स ड्यू टू वायर क्यूआर, अच्छा इक्वेशन ये है आपके पास। ओके, तो फोर्स ड्यू टू वायर क्यूआर दैट इज एफ वन इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को यूज करना है। आई आई करेंट है, ओके, एल दैट इज लेंथ, क्यूआर का लेंथ है स्मॉल ए, प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। ओके ओके, और साइन एंगल, तो ये वायर एक्स एक्सिस पे, ओके, आई एल का डायरेक्शन दैट इज आई ए का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड बी वो भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। ओके, तो आई ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, तो यहां पे एंगल कितना होगा, जीरो डिग्री का होगा। ओके, तो यहां पे दैट इज वाई आपको फोर्स एफ वन का वैल्यू कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्लियर। चलो, सिमिलरली ऐसे ही हॉरिजॉन्टल वायर नीचे है जिसका नाम है पीएस या एसपी, जो भी बोले। ओके, चलो, सिमिलरली फोर्स ड्यू टू वायर पीएस, ओके, तो वो फोर्स यहां पे एफ वन लिया, तो इसके लिए एफ वन डैश ले लें। ओके, तो एफ वन डैश इज इक्वल टू, ओके, इसके लिए आप इक्वेशन यूज करोगे तो आई एल लेंथ स्मॉल ए ही है, ओके, बी, और एंगल यहां पे कितना होगा, तो ये पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड था और यहां पे आई ए का डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड पे, तो ये एंटी पैरेलल होगा। एंटी पैरेलल में यहां पे एंगल कितना रहता है, 180, तो साइन जीरो जीरो होता है और साइन 180 भी जीरो होता है, तो एफ वन और एफ वन डैश दोनों का वैल्यू सेम आएगा, जीरो। अच्छा, तो दो वायर्स की वजह से तो यहां पे फोर्स जीरो रहा, है ना। ऐसा सिमिलर और दो वायर्स विच आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और ऐसे दो वायर्स और रहेगा ना, ओके, तो उसकी वजह से आपको यहां पर फोर्स मिलेगा। तो ऐसा कौन सा एक और है, पी क्यू वायर, ओके, तो यहां पे यूज करेंगे फोर्स ड्यू टू वायर पी क्यू, ओके, तो इसकी वजह से यहां पे फोर्स एफ टू इज इक्वल, इस इक्वेशन को यूज करना है। एफ वन डैश हो गया, अभी एफ टू और एफ टू डैश के लिए जाएंगे। ओके, तो एफ टू इज इक्वल आई एल लेंथ, यहां पे स्मॉल बी है पी क्यू वायर का, आई स्मॉल बी कैपिटल बी, और साइन यहां पे एंगल कितना, तो आई बी का डायरेक्शन ऊपर है,
ओके, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट हैंड साइड पे एस है, तो ये एंगल कितना रहेगा 90, तो साइन 90 दैट इज वन. तो एफ टू का जो वैल्यू है वो साइन 91, तो आई स्मॉल बी कैपिटल बी रहेगा. क्लियर क्लियर. और इसका डायरेक्शन आपको यहां पे राइट हैंड थंब लॉ से देखना पड़ेगा कि इसका डायरेक्शन कौन सा रहेगा. तो आई एल, आई एल का डायरेक्शन आई और एल लेंथ इस वायर के लिए ऊपर है. ओके, और मैग्नेटिक फील्ड बी इस तरफ है, तो ऐसा है ना. ओके, तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा रहेगा, तो आई एल क्रॉस बी करना है, तो आई एल क्रॉस बी इसको इस साइड पे घुमाना है ऐसे. तो थंब लॉ, थंब अंदर जाएगा, अंदर तो अंदर जाएगा मींस दैट इज मेंशन बाय क्रॉस है ना. तो फोर्स इज दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, और वो भी मिलेगा इनसाइड नीचे की तरफ, अंदर की तरफ मिलेगा. ओके, ऐसे का वैसे ही फोर्स ड्यू टू और कौन सा वायर है, आरएस. तो फोर्स ड्यू टू वायर आरएस. ओके, तो एफ टू डैश बोलेंगे उसको. ओके, तो इसके लिए भी आई स्मॉल बी कैपिटल, लेंथ तो स्मॉल बी ही है उसका, और ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ही है ना. मैग्नेटिक फील्ड इस साइड पे है और आई स्मॉल बी नीचे की तरफ, एंगल तो 90 डिग्री है ना. ओके, तो यहां पे भी कितना आएगा, साइन 90 डिग्री. क्लियर. ओके, तो यहां पे एफ टू डैश उसका वैल्यू आएगा आई स्मॉल बी कैपिटल बी, और साइन 90 वो तो बन रहेगा, और इसका डायरेक्शन कौन सा आएगा, तो आई स्मॉल बी उसका तो एंगल नीचे की तरफ है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड बी राइट हैंड साइड पे. ओके, राइट हैंड थंब लॉ, आई आई एल वो जो नीचे है उसको रोटेट करेंगे टुवर्ड्स कैपिटल बी इस साइड पे, तो ऐसे घुमाएगा, तो यहां पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटसाइड मिलेगा ना. तो ये फोर्स का डायरेक्शन मेंशन बाय डॉट दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन दैट इज आउटसाइड. ओके, तो यहां पे देखिए दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट टू ईच अदर है, बट एक एक ही एक्सिस पे नहीं है, दे आर नॉट लीनियर, दे आर नॉन लीनियर, दे आर नॉट कोलीनियर है ना. वो कैसे हम वो मेंशन कैसे हम कर सकते हैं. ओके, तो यहां पे जो फोर्स आएगा वो अंदर की तरफ आएगा, इस वायर पे जो फोर्स आएगा वो आउटसाइड, तो ऐसे आएगा है ना. तो और दोनों के बीच का जो एंगल है सॉरी डिस्टेंस है वो इतना है, तो वो स्मॉल ए जितना है, तो उसका डायग्राम कुछ ऐसे करेंगे. ओके, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है तो वो हम दिखाएंगे स्मॉल ए जितना, दो फोर्सेस का बीच का जो है पॉइंट वहां पर स्मॉल ए जितना, और यहां पे जो PQ वायर है उसके लिए जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड है, तो नीचे की तरफ है दैट इज F2, और यहां पे इस वायर पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटसाइड, तो वो ऊपर की तरफ है F2 dash. तो F2 और F2 dash देखो, बोथ दी फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, बट देखो बोथ दी फोर्सेस आर नॉट कोलिनियर, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल ए. दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, दैट इज वाई यहां पे टॉर्क एग्जिस्ट होगा है ना, दैट इज कपल ऑफ फोर्स
है ना, तो वो टॉर्क का इक्वेशन आपको डिराइव करना है। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ेगा, चैप्टर नंबर वन की जो टॉर्क वाली थियरी में था यहाँ पे भी यही स्टेटमेंट लिखा था, तो क्या लिखेंगे, तो हियर बोथ द फोर्सेस F2 and F2 dash are equal and opposite in direction. Okay, opposite in direction है, equal and opposite in direction, but they are not collinear. Collinear नहीं है, दोनों के बीच का कुछ separation distance है या okay, so torque will be exerted on loop. तो इसकी वजह से यहां पे टॉर्क जनरेट होगा। ओके, तो ये टॉर्क का इक्वेशन यहां पे हम करेंगे, तो टॉर्क का डेफिनेशन क्या है, तो टॉर्क दैट इज आर क्रॉस एफ, आर साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस एंड एफ दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स। तो टॉर्क का डेफिनेशन, टॉर्क दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स और आर साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अच्छा, तो ये टॉर्क की डेफिनेशन है 11th स्टैंडर्ड को यूज करके, तो टॉर्क दैट इज टो और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो वो यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है, आई स्मॉल बी कैपिटल बी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस यहां पे कितना है, स्मॉल ए। ओके, तो स्मॉल ए। ओके, तो देखो यहां पे स्मॉल बी दैट इज ब्रेथ एंड स्मॉल ए दैट इज लेंथ, तो लेंथ इन टू ब्रेथ दैट इज एरिया, तो यहां पे हम क्या करेंगे, तो हियर एरिया ऑफ लूप कैपिटल ए इज इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रेथ दैट इज ए बी, तो ये कंसीडर करेंगे। ओके, तो टॉर्क का इक्वेशन क्या आएगा, टॉर्क तो इज इक्वल टू आई ए बी, आई स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी दैट इज एरिया और कैपिटल बी, तो ये टॉर्क का इक्वेशन आया ऑन करंट कैरिंग लूप, क्लियर। और यहां पे एक ही टर्न था, और अगर यहां पे ऐसे एन नंबर्स ऑफ टर्न होते तो टॉर्क का इक्वेशन यहां पे एन टाइम्स आता। ओके, तो क्या लिखेंगे, इफ देर आर एन नंबर्स ऑफ टर्न्स इन लूप देन, तो देन टॉर्क का इक्वेशन क्या होता, तो एन टाइम्स होता, तो यू विल हैव एन आई ए बी। ओके, वेर एन इज नंबर ऑफ टर्न, आई दैट इज करंट, ए दैट इज एरिया एंड बी दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एनआईए। और अगर याद ही रखना हो तो इसके बेस पर दो या तीन न्यूमेरिकल्स हैं, तो यहां पे 90% अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, तो याद ही रखना हो तो याद रख सकते हैं बीना 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 बी आई एन ए बी आई एन ए, है ना बीना, समझ में आया, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट थियोरी है 4 मार्क्स के लिए, है ना,
और बहुत इजी है, आपको आनी चाहिए, कर पाओगे है ना, तो इतना आप कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।